बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीपीएससी टेस्ट 2020 के लिए मैथ का सिलेबस क्या है। तो मैथ का जो पूरा सिलेबस है मैं वो आपको बताऊँगा, और ताकि आप वहाँ से जो है वो सिलेबस के लिहाज से तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो इसके टेस्ट में लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और वो ये है कि पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स 2020 का ऐड जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ये जो है वो जॉब्स अभी अपकमिंग जॉब्स के सेक्शन में पीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो रही हैं, और इसका जो ऐड है वो एक्सपेक्टेड है। जल्द ही जो है वो हो सकता है कि इतवार वाले दिन तक ये आ जाए। तो आप जो है वो स्टे ट्यून्ड रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, आके मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट मिल सके। तो चलिए मैथ का जो सिलेबस है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो है वो 9 पार्ट्स होंगे, 9 सेक्शन होंगे, कोर सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर 3 टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, नंबर 4 कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, नंबर 5 वेक्टर टेंसर एंड मैकेनिक्स, नंबर 6 मैथमेटिकल स्टैटिक प्रोबेबिलिटी ओनली, नंबर 7 सम जनरल टॉपिक्स, नंबर 8 बीएससी मैथ, नंबर 9 एफएससी मैथ। तो अभी जो है वो हर टॉपिक में आगे जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हर टॉपिक के अंदर जो है वो या हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या जो सिलेबस के अंदर इसके मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो रियल एनालिसिस है उसके अंदर सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑर्डर रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर बाउंड्स, सुप्रीमम इनफीमम ओपन एंड क्लोज सेट्स, नेबर ओड्स, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, डिडिकेंड थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, काची सीक्वेंस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस, बोलजेनो वेस्टर्स थ्योरम, मोनोटोन सीक्वेंस थ्योरम, और इसके अलावा जो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, लिमिट ऑफ फंक्शन, सैंडविच थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, कंटीन्यूअस फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, एमवीटी, डारबॉक्स थ्योरम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। तो रियल एनालिसिस के अंदर ये सारे जो है वो टॉपिक्स शामिल हैं। उसके बाद नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इसके अंदर जो है वो सब टॉपिक्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमोटेशंस, नॉर्मल ग्रुप, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, कंजुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेट सब ग्रुप्स, कंजुगेसी क्लासेज एंड सेंटर ऑफ ग्रुप, कोशेंट ग्रुप्स, सिंपल ग्रुप, पी ग्रुप्स, एस वलोपी सब ग्रुप्स, रिंग्स, सब रिंग्स, इंटीग्रल्स, डोमेन, डिवीजन रिंग, फील्ड्स, फील्ड्स ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, वेक्टर स्पेसेस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर स्पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी। तो इसके बाद नंबर 3 टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक्स शामिल हैं वो ये हैं, टोपोलॉजी, कन्फिनाइट टोपोलॉजी, कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज, ओपन एंड क्लोज सेट्स, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, डिराइव्ड सेट, अपर एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजीज, बेसिस एंड सब बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, होमोमॉर्फिक टोपोलॉजीज, सेपरेशन एग्जाम एग्जाम्स, कंपैक्टनेस एंड कनेक्टनेस, कनेक्टेडनेस, मैट्रिक्स स्पेसेस, यूएल मैट्रिक सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेसेस, ओपन बॉल, ओपन स्फीयर, इंटीरियर एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड क्लोजर ऑफ ए सेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस, बेनॉइज स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड हिल्बर्ट स्पेस। तो नंबर 3 जो है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स शामिल थे। तो उसके बाद नंबर 4 की तरफ चलते हैं, कम्प्लेक्स एंड एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स शामिल हैं वो ये हैं, कम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, पोलर फॉर्म ए कम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिकल फाउंडेशन, होलोमॉर्फिक फंक्शंस, पोल्स एंड रेसिड्यूज एंड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज, बेसिस डेफिनेशंस, नोशन एंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो उसके बाद नंबर 5 वेक्टर्स, तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स ये हैं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स,
projection, line integral, surface integral, volume integral, Stokes theorem, tensor, just go through some basic result, mechanics. तो इसमें जो BSE के अंदर जो mechanics पढ़ी है तो वो part इसके अंदर शामिल है. Moment of inertia, center of mass and central gravity, condition of equilibrium, properties of friction, projectile motion. तो उसके बाद जो number 6 है वो mathematical statistics है. तो इसमें जो basic concepts हैं उनसे आपने go through होना है, जो कि medians, mods and means. और इसमें जो स्पेशली जो है वो आपने probability class में तैयार करना है. तो उसके बाद नंबर 7, इसके अंदर जो सम जनरल टॉपिक्स शामिल हैं वो टॉपिक्स जनरल कौन कौन से हैं, फोरियर एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो उसके बाद जो है नंबर 8, तो BSE वाली जो मैथ वाली बुक्स हैं वो आपने लाजमी तैयार करनी है, जिसके अंदर जो कैलकुलस एंड मेथड थ्रू थॉरली एंड डीपली आपने इनको स्टडी करना है, ठीक है. तो इसमें बेसिकली BSE की दो बुक्स होती हैं, कैलकुलस वाली और एक मेथड्स वाली. तो ये आपने इसके अंदर लाजमी तैयार करनी है. मैकेनिक्स वाली बुक आप ऑलरेडी जो है वो पहले ही तैयार कर चुके होंगे. तो उसके बाद जो है फिजिक बुक है ये भी थॉरली एंड डीपली आपने तैयार करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेसिक कंसेप्ट या जो बेस होती है हर चीज़ की तो इसके अंदर मौजूद है. तो आप इसको भी लाजमी आपने तैयार करना है. तो ये तो थे 9 जो वो कोर सब्जेक्ट्स जहाँ से जो है वो मैथ का पोर्शन इंक्लूड है, मैथ का जो सिलेबस है वो इन 9 सब्जेक्ट्स में से आएगा. तो अगर आप कोई भी बुक जो है वो इनमें से डाउनलोड करना चाहें PDF की फॉर्म में, तो मैंने इधर आपको एक वेबसाइट का लिंक दी हुई है नीचे, topitworld.com/ इस जो वेबसाइट है. तो यहाँ पर जो है वो मैथ की तकरीबन 100 के करीब बुक्स मौजूद हैं. तो जो सिलेबस से कंसर्न है, मतलब जो पहले मैंने आपको भी सिलेबस बताया था उसके रिलेटेड जो बुक्स इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप उनको आसानी के साथ PDF की फॉर्म में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं. तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करें और इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ और डाउनलोडिंग कर सकें. तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट की और बुक्स भी मौजूद हैं, फ़र्ज़ की इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, फ़िज़िक्स वगैरह सब की. तो आपने अगर किसी और जो है वो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप वो सारी बुक्स भी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये नेक्स्ट संडे जो आप आने वाला है अपकमिंग संडे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है. तो अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है, आप दिल लगा कर तैयारी करें, यकीन जानें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको ज़रूर कामयाब करेंगे. और शर्त यह है कि आप जो है वो मेहनत करें. तो अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर और हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी से नवाजे. तो वीडियो के एंड पे अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. और आपसे एक इल्तमास है कि आप मेरे चैनल TopITworld वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिल सके. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और साथ ही के साथ लाजमी शेयर करें. जजाकल्ला और अल्लाह हाफिज़.